अरे हम तुझे अपनी सोसाइटी में रहने दे रहे हैं, उसका शुक्र मना। और हाँ, ये क्या, फंक्शन अटेंड करने दो, फंक्शन अटेंड करने दो, चल जाए यहाँ से। बड़ी आई। अरे खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, निकलो। देखिए अब क्या है ये, पकड़ो इसको। थैंक यू। ज्ञान, ज्ञान क्या हुआ? अरे अभी मैं बहुत जल्दी में उबालने मिलता हूँ। अरे पर हुआ क्या, क्या? मामा सर्टिफिकेट आपको यही चाहिए था ना? अब प्लीज मेरी जान को मत डांटना। ये एनवेलप ज्ञान के सामने नहीं खोल सकता। ना दिखा सर। नहीं ज्ञान, हमें किसी को भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मेरे हो और इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। पर जान, ये देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा। पुष्कर भैया ये गलत है, मुझे दीजिए। पुष्कर भैया, भैया बार पूछने के बावजूद ये डीट जानवी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज आज सच सबके सामने आकर रहेगा। अरे ये मोड़ा का करने जा रही हूँ, कांड हो जाएगा कांड। कागज पे ज्ञान की माँ का नाम अनुष्का है। हे भगवान, ये बच्चे के सामने सच आ जाएगा कि जानवी उसकी माँ नहीं। अब तू ही बचा ईश्वर। तो सुनो, thank you.
क्या तू होता कौन है मुझसे ये छीनने वाला? हाँ बोल। तुझे इस वक्त अपनी बहन की इज्जत को छोड़ के इस कागज के टुकड़े की पड़ी है। लानत है आप सब पे। आप सब खुद एक औरत हो के चुपचाप खड़ी यहां एक औरत पे अत्याचार हो रहे हैं और आप लोग देखी जा रही है। खुद एक मां होकर एक मां पे उंगलियां उठा रही है आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप सबको, शर्म आनी चाहिए। हाँ रे हाँ। और वो भी उस मां पर जिसने तेरे बच्चे की जान बचाई बिना अपनी जान की परवाह किए। कैसा समाज है ये जो एक माँ को समझता नहीं है। सब लोग एक बाप के बारे में पूछते ही जाते। तो कभी गलती से भी सोचा ही है कि एक बाप नहीं है तो ये एक बाप की ही गलती है ना कि एक माँ की गलती है। जो डटी रही जुटी रही वो माँ है। ये बाल पोस के खून पसीना एक करके अपने बच्चे को बड़ा किया वो माँ है। ये साथ ही साथ एक बाप के सारे फर्ज पूरे किए वो माँ है। ये बाप दोनों है। ओ हीरो, क्या तू होता कौन है हर चीज में बीच में आने वाला? उस दिन जानवी के घर पे जब मैं आया तो तू बीच में कूद पड़ा, आज फिर से तू कूद पड़ा। क्या नाता है तेरा इसके साथ? कोई नाता है? है मेरे इसके साथ इंसानियत का। इस पे होते हुए जुल्म भी देख सकता मैं। हमारा तो भाई का रिश्ता है ना इसके साथ, है ना? वो भी बड़े भाई का। इस हाथ पे राखी बंधवाते हो ना तुम इससे, फिर भी एक भाई का फर्ज अदा करना हो तो दूर तुम इसकी इज्जत पे उंगली उठा रहे हो। क्या फायदा है साथ का? मुरली प्लीज उनका हाथ छोड़ दो। प्लीज मैं कह रही हूं ना, छोड़ दो।
आया तो था जानवी से इस रसीद के बारे में पूछने के लिए, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं नहीं, इस घपले की रसीद की कहानी किसी और तरीके से निकलवानी होगी। यस सर। जानवी, इस कागज पे नाम अनुष्का का नहीं, तेरो है। हाँ दादी, वो अनुष्का दीदी अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए उन्होंने हर मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेरा नाम दिया है। हे भगवान, पता है जब पुष्कर ने कागज खोलने की धमकी दी और तेरी तरह ब्रांड देखकर मुझे लगा कि माँ का नाम जरूर अनुष्का का होगा। दादी, डर मुझे इस बर्थ सर्टिफिकेट का तो नहीं था। दरअसल इस लिफाफे के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और चीज है जिसके बाहर आ जाने से सारा सच सामने आ जाता। एक मिनट। ये तो तुम्हारी बहन अनुष्का है जो प्रेग्नेंट है। तो आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं दिलवाऊंगी, दुनिया की सारी खुशियां लाकर आपके कदमों के नीचे लाकर रख दूंगी। हाँ, जल्दी आ जाओ। बापी बोड़ी, ये फोटो कहीं संभाल के रखी तूने? अरे इस फोटो से तो कियान की माँ का सच पता लग जावे को जहान को। पता है दादी, इसे तो अभी के अभी भस्म कर देना चाहिए। दादी, ये सही है ना? तू चुप कर बोली, इसे भस्म हो जाने दे। हाँ दादी, ये सच किसी को ना पता लगे को अब। बेटा रोना मत दादी, आराम से। दादी जान में देखो ना, ये रोए जा रहा है कब से। देखो देखो बेटा, जान एकदम ठीक है, जान को कुछ नहीं हुआ। रोना बंद करो। क्या का हो गया मोड़ा? थोड़ी जान, आज मुझे बर्थडे आपके साथ बनाना था, लेकिन ये तो बर्थडे है। इधर आओ कियान, जान के पास आओ। शांत हो जाओ कियान, कोई बात नहीं है। आपको पता है कियान, आपके साथ बिताया हर दिन मेरा बेस्ट डे होता है। आप खाना खाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप इतने अच्छे मार्क्स लाते हो, आप क्रिकेट एकेडमी जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, इन सभी चीजों से ना मेरा बेस्ट दिन बन जाता है। बस तो फिर मैं भी आपका हर दिन बेस्ट बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगा। स्कूल बंद है पर एकेडमी चालू है, मैं वापस जाऊंगा और वहां का बेस्ट प्लेयर बनूंगा। जैसी आपकी मर्जी कियान। बिठे तू परेशान ना हो, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ, जो भी होवेगा अच्छा होवेगा, बस अब तू आराम कर। हाँ, थैंक यू दादी। एक मिनट, ऐसे कैसे आराम करे? अरे इतनी सजावट की है दादी, केक आया है मदर्स डे पे, कियान ने इतनी मेहनत की है तो एक फोटो तो बनती है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आजा आजा। नहीं सेल्फी। हाँ चलो चलो चलो, तू भी आजा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा घंजक्कर कैसे हो सकता हूं? उसकी फाइल में वो घपले का रिसीट देख के मैं क्यों उसे बचाने चला गया? मैं
क्यों यार? डंके की चोट पे उसे पूछना चाहिए था उस रिसीट के बारे में। यार यार हो सकता है वो पाके दुश्मनों के साथ शामिल हो। पर नहीं, तेरे दोस्त ने क्यों किया? क्यों किया तेरे दोस्त ने? अरे क्यों उसे बचाने चला गया उन गुंडों से? मुझे लगता यार मैं इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता हूँ मुरली यार? उसे पूछना चाहिए था मुझे। शांत हो जा मेरे दोस्त। कैसे शांत हो जा? तू गधा नहीं है। अरे हो सकता है ये सब कुछ तूने कियान के लिए किया। उससे लगाव जो हो गया है ना तुझे, है ना? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। यार मुरली है ना, मैं कियान को रोता हुआ नहीं देख सकता यार। पता नहीं कभी कभार ऐसा क्यों लगता है कि कितना कमीना होगा वो बाप, इतने प्यारे से बच्चे को छोड़ के चला गया। हीरो आ गया। या गुस्सा होता है वह प्यार होता है। भोली सी आंखों में बाप ना होने का दर्द देख सकता हूं मैं यार। बाप का साया क्या होता है ये मुझे पता है यार। और बाप का होके भी ना होना ये कैसा लगता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है मुरली। पर आज ऊपर वाले ने तेरे दोस्त की सुन ली है मुरली। बाप को उनके दुश्मनों से बचाने का एक मुझे मौका दिया है, उनका प्यार फिर से जीतने का एक मौका दिया मुरली। मैं जीतूंगा ही नहीं, मैं उनका प्यार हासिल करूंगा। हर हालत में तू देख, ये देख, ये देख, ये आखिर आ ही गया तुम्हारा कॉल। आज आने वाला हूँ अपने काम के बाकी पैसे लेने। संगीत वगैरह है ना होटल में, सारा स्टाफ उसी में बिजी रहेगा, उसी टाइम पे मैं आऊंगा पैसे लेने। ध्यान रहे मेरे हाथ में एक कुल्हड़ होगा मिट्टी का, तो देख के पहचान लेना कि मैं ही हूँ। समझ गए ना? पैसे रेडी रखो। ये समझ की तेरे यार की लॉटरी लग गई मुरली। मेरा शक सही था। पापा पे हमला करने वाला संगीत पार्टी में आ रहा है। आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पाक के दुश्मनों का पता लगाऊंगा और ये भी पता लगाऊंगा कि जानवी इसमें शामिल है या नहीं। मैं आता हूं। इन सेन गुप्ता वालों की तो डिमांड ही खत्म नहीं होती है। कभी उन्हें ये चाहिए, कभी उन्हें वो चाहिए, और अब लास्ट मोमेंट पे इनकी खास रिक्वेस्ट आई है कि इन्हें धुनूची डांस देखना है। What the luck यार, इस संगीत की स्टाफ लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। अब समझा, जरूरी उस चलाक जान लीवी की हरकत, उसने जानबूझ के मेरा नाम नहीं डाला। और मैं कैसे घुसूंगा संगीत में, कैसे घुसूंगा, कैसे घुसूंगा? धुनूची डांस? सर अब इतने शॉर्ट नोटिस पे हम धुनूची डांसर्स कहाँ से अरेंज करेंगे? अरे क्या पता कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें हर हालत में आज संगीत में ये धुनूची डांस देखना है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कहाँ से लाएंगे हम डांसर? जानवी, क्या हमारे स्टाफ में कोई?
मैम सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं ऐसे ही अंदर आ गया कैबिन में। सर सर वो मैं अपने सीवी में डालना भूल गया था एक्चुअली। सर मैं बहुत अच्छा दुरुचि डांस करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हमें धुनुचि डांसर्स चाहिए? हाँ? वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सुना धुनुचि डांस सर कुछ बात कर रहे थे तो सुना और मैं अंदर आ गया। सर मैं डांस करूंगा कंपनी के हर काम के लिए। सर बंदा हमेशा हाजिर है। सर कमाल हो गया, अरे बैठे हमें डांसर मिल गया। थैंक यू सर। सर 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 आप किस पे भरोसा कर रहे हो? ये मुरलीधर है मुरलीधर। सर आपने इसका टेस्ट तक नहीं लिया, हमें क्या पता इसे वो डांस आता भी है या नहीं। सर ये जो सेन गुप्ता का फंक्शन है ये बहुत बड़ा फंक्शन है, अगर छोटी सी भी गड़बड़ हुई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सोच लीजिए। सर नहीं सर। और मुरली तुम्हें पता है तुम्हारी नौकरी जा सकती है अगर छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो। बहुत बड़े लोग हैं सेन गुप्ताज और तुम अचानक से धुनुचि डांसर कैसे बन गए? अगर तुम्हें डांस आता है ना तो हमें बताओ, कुछ स्टेप्स वगैरह करके दिखाओ यहीं पे। कम ऑन। हाँ हाँ ये तो पत्ता काटेगी ही। नहीं चाहती मैं वहां इसके हमलावर पार्टनर को देख लूं और इनका भांडा फोड़ दूं। मैम वो क्या है कि असली कलाकार अपना टैलेंट हमेशा मंच पे दिखाता है, ऐसे अरे गेरे लोग मेरा मतलब है कि ऐसे आते जाते नहीं दिखाता। सर इसे देख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता इसे धुनुचि। बस जान दी, टाइम है हमारे पास। अरे झूठ क्यों बोलेगा? यस सर। देखो कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। यस सर। जानवी काम करो, इसे डांस रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू। पर सर जानवी। ओके सर। गुड चलो। यस मैम। सर थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं मौके पे चौका। पाके दुश्मनों आ रहे मन बुंदेला।